पर व्यापार मंडल ट्रस्ट ने सीएम ग्रिड योजना में चौधरी चरण सिंह चौक से केल्टन स्कूल की पुलिया तक सड़क का निर्माण और सौंदर्यकरण के दौरान व्यापारियों का उत्पीड़न न किए जाने की मांग उठाई है। अपनी इस मांग को लेकर लाइन पार के व्यापारी सोमवार को मंडलायुक्त से मिले और उन्हें ज्ञापन पेश किया, जिसमें कहा गया कि योजना में लगभग 500 व्यापारियों और क्षेत्रवासी प्रभावित हो रहे हैं। व्यापारी और क्षेत्रवासी योजना का विरोध नहीं कर रहे हैं, वे योजना का स्वागत करते हैं, परंतु व्यापारियों को न उजाड़ा जाए और योजना के तहत सड़क निर्माण व अन्य कार्य कर दिए जाएं। इस संबंध में लाइन पार व्यापार मंडल के आह्वान पर मंडी गेट के मुख्य मार्ग के सभी व्यापारियों ने अपनी दुकानें बंद करके मंडलायुक्त से मांग की है कि योजना व्यापारियों और क्षेत्रवासियों के हित को ध्यान में रखकर तैयार की जाए, योजना को सीएम ग्रिड योजना के अनुरूप ही लागू किया जाए। व्यापारियों और क्षेत्रवासी पीढ़ी दर पीढ़ी उनके आभारी रहेंगे। साथ ही व्यापारियों और क्षेत्रवासियों का विधायक और मेयर पर पूर्ण विश्वास है, जो योजना उनके नेतृत्व में तैयार की जाएगी वे सभी के हितों को ध्यान में रखकर की जाएगी। वही मंडलायुक्त ने कहा कि यह योजना को सरकार द्वारा निरस्त कर दिया गया है। अब यह योजना मुरादाबाद सिटी में नहीं है, अब और किसी योजना से लाइन पार का विकास कार्य कराया जाएगा। रविशंकर गौतम, लाइन पार व्यापार मंडल अध्यक्ष। एक योजना आई थी लाइन पार के लिए, उसके उपलक्ष्य में हम पहले भी मिल चुके थे। सीएम ग्रोड योजना जो है आई थी तो चौधरी चरण सिंह चौक से लेके और ये कैंटीन स्कूल तक आई थी, तो उसके प्रति हम पहले भी ज्ञापन दे चुके थे। हमने ये कहा था कि ये 41 मीटर में आई थी, तो हमने ये कहा था कि लोगों की काफ़ी दुकानें जा रही हैं और काफ़ी मकान जा रहे हैं, तो उसको हमने पहले भी कहा था कि उसको कम कर लिया जाए। तो आज जो हम मिले हैं साहब से, तो उन्होंने कहा कि कमिश्नर साहब से कि हमारी ये योजना वापस हमने कर दी है। यहाँ के जो विधायक हैं और जो मेयर साहब हैं उनके द्वारा जो है हमारे पास पत्र आया था, तो हमने उसको वापस कर दिया गया है। अब कोई नई योजना आएगी तो आपको बता दी जाएगी। नीरज राजपूताना, सीएम साहब की जो ग्रेड योजना आई थी वो कैंसिल हो गई थी, लेकिन सुनने में आया कि वापसी आ रही है। बस इसी बात से मिलने के लिए आए थे हम कमिश्नर साहब से, इसी बात के बारे में बात करने के लिए। हम यही चाहते हैं कि ये योजना वापसी जाए, जो सीएम साहब ने करा वही हो। हमारे घर मकान दुकान सब जा रहे हैं, मुरादाबाद की सबसे चौड़ी सड़क ये है, टाउन हॉल गंज गुरट्टी कहीं पर भी इन्होंने तोड़फोड़ नहीं हुई, ये सब छोटी छोटी सड़कें हो गई हैं। लाइन पार की सबसे चौड़ी सड़क है, मुरादाबाद की सबसे चौड़ी सड़क है, जो कि इंटीरियर एरिया है, वो काफी हम लोगों के लिए। जब भी आई योजना नाले से नाले तक आए, इससे आगे ना बढ़े, नहीं बहुत सारे लोग घर से बेघर हो जाएंगे।